Good morning students, welcome everybody, and today we are going to kill linear equation in two variables. अभी ये टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी मेथड्स देख चुके हैं, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन हमें पता है, और आइएगा बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ. एंड द क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y is equal to 2 and 3x plus 2y is equal to 2 can be represented by the point in the coordinates plane. यहाँ पे आपको ढूंढना है कि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कौन से प्लेन में, प्लेन इन द सेंस ऑफ कौन से क्वाड्रेंट में हो आप. सो एवरीबडी हैज एन आइडिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग चलते हैं तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव. नाउ जैसे आएंगी वैल्यूज ऑफ एक्स वैसे चलेंगे हम लोग हमारे क्वाड्रेंट वाइज. फर्स्ट इक्वेशन गिवन इज 2x plus 3y that is equals to 2, let considering as equation number 1. Equation second in the new form, that is 3x plus 2y, and this again is equal to 2, equation number 2. To make the equality of coefficients, multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3. So we are getting 2 new equations, and two new equations are 4x plus 6y that is equals to 4, secondly 9x plus 6y and that is equals to 6. Now add or subtract. So everyone has again idea कि ऐसे केसेस में माइनस करना पड़ता है. ये बना बेटा माइनस 5x, दिस गेट कैंसल, दिस इज द माइनस 2, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2/5. पुट दिस एक्स कोऑर्डिनेट इन एनी वन इक्वेशन इफ आई आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन 4, विच इज 3y is equal to 2 minus 2x. So 2 minus 2 into 2 by 5. That is equals to 2 minus 4 by 5. On solving, we are getting 6 by 5. Value of y is equal to 6 by 5. X and y, both the coordinates are positive. It means our point lies in which quadrant, my dear? So first quadrant. Badhiyega next sawal ke taraf jahan pe. The solution of. किसके सॉल्यूशन है ये? तो द सॉल्यूशन ऑफ x अपॉन y प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. डू अ वन स्मॉल चेंज हियर, आप यहां पे 2 बना लीजिए. नाउ इफ आई रोट x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स इक्वेशन फॉर्म 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, कंसिडरिंग एज ए इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट वन x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन सेम कंसेप्ट, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय द 2, इक्वेट द कोएफिशिएंट एंड सॉल्विंग, सो वी गेट अवर आंसर. मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे हमें क्या बोला गया है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. अभी फिर से कहीं ना कहीं पे हम लोगों के पास ऑलरेडी ये पूरा डाटा अवेलेबल है कि सिस्टम हैज एन इक्वेशन या सिस्टम हैज नो इक्वेशन. ये कब होता है? देखिए कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी. प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसे आया था जहां पे हम लोगों ने इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन या सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन बोले थे. एंड व्हेन दैट कंडीशन इज अराइज, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आते. सिमिलरली माय डियर, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं व्हेन ऑल द कोएफिशिएंट्स आर इन द इक्वल रेशियो, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दैट अगेन इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दैट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. नाउ दिस इज नॉट इनफ, अगेन सम होमोजीनियस इक्वेशंस आर देयर एंड बाय यूजिंग दिस कि हमारे पास सिस्टम को जवाब कब नहीं रहेगा, व्हेन दे आर पैरेलल
और पैरेललिटी का कंसेप्ट जब जाएगा तो इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्टली जाएंगी वो देखते हैं। चलिए वन बाय वन सॉल्विंग द टर्म। सो वी आर गेटिंग, इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इट मींस ए वन अपॉन ए टू दैट इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। So instead of carrying the three ratios, we are just considering any two ratios, that is in the form of a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. And as we know that is equations are in the form of ax plus by plus c, ax plus by plus c. So values kya likhungi main? 2 upon 5, first one. And that makes the equality with k upon minus 7. समझ में आ रहा बेटा? अभी values दो, cross multiplication. 2 into minus 7 minus 14, that is equals to 5 into k, 5k, value of k is equal to minus 14 by 5. Therefore, our required answer or value for the k is equal to is minus 14 by 5 when the given whole linear equation system has no solutions. आगे के तरफ जाते हैं। The system of equation has infinite number of solutions. अभी system को infinite number of solutions कब रहते हैं? ये भी बहुत सुंदर सवाल। तो when system has infinite number of solution, it satisfy the condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and that again is equal to c1 upon c2. You just make the ratios for this. मैं किसी भी दो के लिए ratio ले सकती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 4, तो upon में इसका coefficient आएगा 10. That is equals to coefficient of y 7, coefficient of y on the second side is a k. 4 upon 10 का कोई छोटा वाला जिसको simplified बोलते हैं, कोई simplified form है तो yes, that is 2 upon 5, that is equals to 7 upon k. Again, cross multiply the term. 2 into k, 2k is equal to 5 into 7, 35. So value of k is equal to 35 upon 2. System has infinite number of solution, answer is 35 upon 2. समझ में आ रही है बेटा बातें? चलिए फिर move to the next question, that is the system of equation has, कहां से पता चलेगा कि इसे कितने values है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों को वो terms के लिए, देखिए always remember exactly two solution having the no solution. No solution का मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equals to c1 upon c2. जिसके लिए जवाब देने जा रहे उसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझना जरूरी, ये पहली चीज। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जब है इसका मतलब a1 upon a2 that is equals to b1 upon b2 and that again is equal to c1 upon c2. System has the unique solutions अगर है इसका मतलब a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, ठीक है? अभी equations को देखो और हमारे पास के conditions से किस condition के लिए ये बन रहा वो देखिए। Now see x plus 2y is equal to 3 and then 2x plus 4y that again is equal to 3. यहाँ पे कॉन्स्टेंट सेम है, क्या वैल्यूज है? 1 अपॉन 2 यानी a1 a2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 3. 1 अपॉन 2 का तो कोई सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा आधे का मतलब होता है 0.5, इसके अलावा कुछ नहीं, तो जिसको जैसे के वैसा रखा 1 बाय 2. 2 बाय 4 का सिंप्लीफाइड बन सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1 बाय 2. 3 3 कट गया तो ये हो गया 1. इसका मतलब हो रहा बेटा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but this is not equals to c1 upon c2. तो मेरे पास के जो ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं वो ऑप्शन से बताइए कि मेरा अभी के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, a1 upon a2
is equal to b1 upon b2 but is not equals to the c1 upon c2. It means this system of equation has no solutions. ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताती मैं आपको. देखिए, मान लो मैंने 11th आवर पे, मुझे याद ही नहीं आ रहा यार कि यूनिक कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, उसके बाद में नो सॉल्यूशंस कब होता है, ये मेरे को याद ही नहीं आ रहा. एंड आई जस्ट मूव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट इज x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड 2x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री. दिक्कत क्या हो रही, एवरी टाइम टू मेक द कोएफिशिएंट इक्वल मल्टीप्लाई करूंगी. जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो x इंटू टू 2x, 2 इंटू टू 4y, 3 इंटू टू 6, इसमें से माइनस करो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3. सेम कोएफिशिएंट विद द सेम साइन, तो सब्ट्रैक्शन करना बनता है, माइनस करा दिया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और जीरो के इक्वल में हम लोग 3 लिखेंगे. मैथ्स वाले होके हम लोग ऐसे गलती करेंगे कि जीरो मेक्स द इक्वेलिटी वो थ्री? नहीं. और अगर ये ऐसा नहीं हो सकता मैथ्स में, इसी का मतलब हुआ दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस. फर्क समझ में आ रहा बेटा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जहां पे सिंपल, अगेन सिंपल वन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5. और सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा नखरे के फॉर्मेट में आया है, उसको संभाल लेंगे हम लोग. सी 7 इंटू एक्स कितना हुआ, 7x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y, इसको इधर उधर पलटा लो तो प्लस 5x की साइड चेंज कर ली, माइनस बनेगा, 7 में से 5 गए 2 रहा, यानी 2x ये पॉजिटिव चलते चलते इधर आ गया, तो रास्ते में निगेटिव बन गया और दिस इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y एंड दैट इज इक्वल टू 5. कहानी करो इसकी, दोनों का सेम कोएफिशिएंट विद द सेम साइन, सब्ट्रैक्ट द टर्म, वी आर गेटिंग माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, कैंसल 5, पहली वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू 5. पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, इसी में डाल देते हैं, अच्छा दिख रहा, प्यारा दिख रहा है, ये इसी में डाल देते हैं. सो 3 इंटू 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 5. सो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 5y, 10 इज इक्वल टू 5y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग एज अ 2, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10. आपको किसे ढूंढने के लिए बोल रहा, तो x माइनस y को, x माइनस y, x हैविंग द वैल्यू कितनी रहे तो 5, y हैविंग द वैल्यू 2, 5 में से 2 गए 3, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8. और इतने ही प्यारे सवाल के साथ लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा. लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 3 चेयर्स एंड 1 टेबल, ये बचपन वाली कहानी यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग. सो लेट कंसीडर चेयर्स मीन्स x, टेबल मीन्स y, और जब बंदा खरीद रहा 3 चेयर और 1 टेबल तो वो 900 रुपये दे रहा, यानी देखो सस्ताई का ज़माना, 3x प्लस y इज इक्वल टू 900, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड में जाओ, सेकंड बंदा क्या कर रहा, 5 चेयर्स खरीद रहा, 3 टेबल्स खरीद रहा, 5 चेयर्स का मतलब हुआ 5x, 3 टेबल का मतलब हुआ 3y, और वो कितने रुपए दे रहा, तो ये 2100 रुपये दे रहा, यानी 2100. बंदा हमें पूछ रहा कि कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 4 चेयर कितनी होगी, तो पहले एक की तो पता कर ले, तो फिर 4 पे जाएंगे. नाउ सी हियर, 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 900. देयरफॉर y इज इक्वल टू बन सकता हमारे पास 900 माइनस 3x. पुट डाउन दिस वैल्यू देयर, 5x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
900 minus 3x and that is equal to 2100. मल्टीप्लाई करिए बेटा, 5x plus 2700 minus 9x that again is equal to 2100. 5x minus 9x ये हो गया minus 4x. 2100 में से 2700 माइनस हो गए, बचे यहाँ पे माइनस ऑफ 600. हमारे पास x इज इक्वल टू हुए 150. इसका मतलब हुई 1500 रुपए की एक, सॉरी 150 रुपए की एक चेयर बनी. और अभी एक चेयर अगर 150 की है तो केबल कितने का वो निकालते. y इज इक्वल टू 900 माइनस 3 इंटू 150. 900 माइनस 450 that is equal to 450. Table mehenga hai. Table having the price 450. Chair sasti hai. That is 150. Ye hui values. Aur in values mein abhi hume kya karna hai? Kiski price nikalni hai? So we need to find the price of four tables and one table and four chairs. Four chair का मतलब हुआ 4 into 150 that is equals to 600 and one table it means 1 multiplying by 450 adding the term 1050. कितने बार फर्नीचर के दुकान में गए होंगे खरीदारी करने, फर्नीचर करने, पर कभी नहीं सोचे कि फर्नीचर वाला भी लीनियर इक्वेशन यूज करता, करके उसको खुद को भी नहीं पता होगा वो लीनियर इक्वेशन यूज करता. नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हियर वी कैन से वी आर कंप्लीटिंग अवर लीनियर इक्वेशंस. नाउ द कॉस्ट ऑफ टू सारीज एंड फोर शर्ट्स कितना है. सारी को मान लो एक्स, शर्ट्स कंसिडर एज अ वाई. अभी इसने भी नहीं सोचा कभी, ठीक है ना. दिवाली की शॉपिंग, अभी जैसे मार्च अप्रैल लॉकडाउन है, हम लोग खरीदारी से दूर है, वो चीज़ तो अलग. पर शादी के लिए जब भी हम लोग क्लॉथ मार्केट जाते हैं खरीदते हैं, तो उसको बंदे को भी नहीं पता कि वो लीनियर इक्वेशन यूज करा रहा है. देखिए, दो साड़ी और चार पापा के लिए शर्ट मिला के लिए 16000 की खरीदी की हम लोगों ने. उसके बाद एक साड़ी और सिक्स शर्ट्स यानी एक्स प्लस सिक्स वाई, ये भी उतने में ही खरीद डाले उसने. ये बंदा पूछ रहा तो 12 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी है. जब 6 शर्ट्स लिए और एक साड़ी खरीदी तब भी 16000 की है, और जब दो साड़ी और चार शर्ट खरीदे तब भी 16000 की है. अभी आपको करना क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू डालना है. सो एक्स इज इक्वल टू 16000 माइनस 6y इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा. देयरफॉर 2 into 16,000 minus 6y plus 4y that again is equal to 16,000. Therefore, 32,000 minus 12y plus 4y is equal to 16,000. 16,000 change of side. So, 32 minus 16,000 ये हुआ आपके पास 16,000. और और माइनस 12y प्लस 4y हुआ माइनस 8y, उसको उधर ढकेल दिया यानी हुआ 8y. y का मतलब हुआ 2000. सो हम लोग खरीदारी जो कर रहे हैं उसमें y यानी हमारे लिए क्या था, शर्ट्स था. एक शर्ट ही हमारा 2000 का हो रहा, इसका मतलब 12 शर्ट्स कितने के होंगे, तो 24,000. एंड दिस इज अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. होप माई डियर स्टूडेंट कि सभी को लीनियर इक्वेशन समझाऊंगा. अभी आइंदा से जब दुकान में जाओ खुद के लिए शर्ट्स खरीदने, मम्मी के लिए साड़ी खरीदने, तो याद रखना वो भी लीनियर इक्वेशन यूज कर रहा. जब चेयर, टेबल, कुर्सी, टीवी, टेलीविजन, फ्रिज खरीदने जा रहे तब भी वो जो बिलिंग बन रहा, अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन. ऐसे ही डेली लाइफ में यूज होने वाले कंसेप्ट्स के साथ, टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए.